नमस्कार, न्यूज टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत, और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पूरा देश गुस्से में है और हैवानियत पर आक्रोश व्यक्त कर रहा है। इंसाफ के संग्राम में आज पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है। हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज है, बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ फांसी ही समाधान है। और महिलाओं की इस आवाज के साथ, उनकी इस मांग के साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ हैदराबाद की महिला डॉक्टर का नहीं बल्कि आधी आबादी का है। आज सड़क से संसद तक इसकी आवाज गूंज रही है। सबके मन में बस यही सवाल है कि आखिर हैदराबाद के हैवानों को फांसी कब होगी, कब मिलेगा डॉक्टर बेटी को इंसाफ, कब थमेगा महिलाओं के खिलाफ अपराध, आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां, कैसे मिले बेटियों को इंसाफ। ये तमाम सारे सवाल हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या नए कानून बनाने की जरूरत है और सख्त कानून बनाने की जरूरत है, या लोगों की जहनियत को बदलने की जरूरत है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हैवानियत के खिलाफ गुस्से में पूरा देश, इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर संग्राम, कड़े कानून की मांग को लेकर आक्रोश, कब थमेगा महिलाओं के खिलाफ अपराध, आखिर कब सुरक्षित होंगी बेटियां। रेप कर रहा है कोई, गला दबा के आंख निकाल दे रहा है तो कोई, जला दे रहा है, इन लोगों को मर्सी पटिशन दे कौन देता है। महिलाओं का रोष और ये आंदोलन बताने के लिए काफी है। इंसाफ मिलने तक ना तो कोई पीछे हटेगा और ना ही कोई झुकेगा। देखिए, आधी आबादी अब झांसी की रानी बनकर एकजुट होकर तलवार के साथ खड़ी है। गुस्सा नहीं, आक्रोश है। अगर हमारे हवाले कर दे तो हम एक मिनट ना लगाएं, उसके गर्दन सिर से उसका अलग कर दे। कहना ये कि अगर आप सजा नहीं दे सकते तो आप इनको हमारे हवाले करिए, हम इनको सजा देंगे, अगर आपके बस की बात नहीं है। महिलाओं ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की, अपना गुस्सा जाहिर किया। सबके मन में बस यही सवाल था, आखिर कब हैदराबाद के हैवानों को फांसी होगी। उन्हें नहीं मिलनी चाहिए मर्सी पटिशन, आज लटकाओ उन्हें, मेरी ये मांग है। इस मामले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया, केंद्र से सख्त कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा, शर्मसार करने वाली ये घटनाएं कलंक है। संबल की घटना, शाहजहांपुर की घटना, मेरठ की घटना, गोरखपुर की घटना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। संसद में भी हैदराबाद कांड की गूंज सुनाई दी। जया बच्चन समेत कई सांसदों ने एक साथ इस घटना की निंदा की। आई थिंक द पीपल नाउ वांट द गवर्नमेंट टू गिव अ प्रॉपर आंसर एंड अ वेरी डेफिनेट आंसर। इस तरह की चीजें जो कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, इस घटना की निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, ये हरकत पूरे देश के लिए शर्म की बात है। इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। हैवानियत दरिंदगी के खिलाफ इंसाफ की मुहिम में हर कोई गुस्से में है। बेटियों को महफूज और सुरक्षित रखने के लिए सख्त कानून तो बनना ही चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि सख्त कानून की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। सवाल है, क्या बेटियों को इंसाफ के लिए और सख्त कानून की जरूरत है? मोबाइल उठाइए और अपनी राय जरूर दीजिए। हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @NewsStateHindi। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व डीजी SR दारापुरी साहब जुड़ रहे हैं।
इसके अलावा अंजू चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा रितंभरा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट। मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा नवाब अली अकबर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं PSPL के। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल SR दारापुरी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, जो निर्भया कांड के बाद से कानून बने, बहुत सारे संशोधन हुए, उसके बावजूद भी लगता है आपको कि ये कानून पुलिस के काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है और कानून की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, मैं तो समझता हूं कि निर्भय कांड के बाद जो कानून बने हैं वो पर्याप्त हैं, क्योंकि उसमें सजा को बढ़ा दिया गया था। और पर समस्या क्या हो रही है? समस्या ये हो रही है कि हम केवल कानून के सहारे ये जो अपराध हो रहा है उसको रोकने की बात करते हैं। हमें ये देखना होगा कि ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये अपराध बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर से बलात्कार के बाद हत्या की जो घटनाएं हैं वो बराबर बढ़ रही हैं। तो मैं एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, मेरा तजर्बा है, मेरा अपना विचार है कि हमें जो कानून है निर्भय वाला वो पर्याप्त है, परंतु हो क्या रहा है कि या तो वो प्रॉपरली लागू नहीं हो रहा, या हमारी जो वर्तमान में प्रक्रिया है न्याय प्रणाली वाली वो उसमें काफ़ी समय लग जा रहा है। ये भी ज़रूरी है कि आपको न्यायिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, संवैधानिक देश हैं, अपनानी होगी। परंतु कानून के केवल कानून की मांग कर लेना कि सख्त कानून बना दो अपराध रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए, तत्परता से लागू। मैं ये जानना चाहता हूँ, SR दारापुरी साहब, आप कह रहे हैं कानून है पर्याप्त है, तो कानून तो अपने हिसाब से काम कर ही रहा है ना, फिर क्यों हो रहा है बेटियों के साथ ये? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस समय जो है कानून काम तो कर रहा है, परंतु जिस तेजी से उस पर काम होना चाहिए, हमारे यहाँ अभी भी जो कोर्ट में मुकदमे चलते हैं उनमें अभी भी काफ़ी समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। तो हमें उसको जो स्पेशल कोर्ट्स हैं डे टू डे हीरिंग करके उनके मामले को और तेज़ी से निपटाना चाहिए, ताकि सजा मिलती है या वो कोई आदमी छूटता है उसका नतीजा जल्दी आए, और जल्दी नतीजा आने का असर जो है वो आम जनता के ऊपर होता है। सर, मैं तो इससे आगे का सवाल आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद उनको तो फांसी की सजा हो गई, लेकिन अभी भी वो जेल की रोटी खा रहे हैं, अभी भी उनको फांसी नहीं हुई, फिर कौन सा कानून? अंजू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में आधी आबादी की जिम्मेदारी जी उस आयोग के ऊपर है जिस आयोग की आप उपाध्यक्ष हैं। आपको लगता है बदलाव की जरूरत है कानून में, या आपको लगता है कानून ठीक है? कहां बदलाव की जरूरत है? सख्ती से कानून की बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस तरीके से निर्भया कांड को अभी तक इसका फैसला करने के बावजूद, फांसी की सजा होने के बावजूद उसको फांसी नहीं दिया जा रहा है, और चक्की काट रहे हैं, आराम से रोटी खा रहे हैं जेल में। तो ज़रूरत है कि तत्काल तो इसके ऊपर तुरंत 15 दिन के अंदर नहीं, 1 हफ्ता के अंदर ही सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। और मेरा ये सोचना है कि फांसी पर भी पब्लिक प्लेस में लटकाएं, ताकि पब्लिक देखे और पब्लिक समझे कि अगर उन्होंने इस तरीके का बलात्कार किया है किसी के साथ और गैंग रेप किया है तो उनको तुरंत फांसी मिलेगी। और नहीं तो ऐसा करना चाहिए कि उनको उनका शारीरिक संबंध किसी से ना बना सके, ऐसे पुरुषों को इम्पोर्टेंट बना देना चाहिए, ताकि वो ज़िंदगी भर याद रखें कि उन्होंने एक गलत काम किसी गलत लड़की के साथ किया था, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर उनके ज़िंदगी बर्बाद हो जाए उसकी, जैसे उसने लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है उसी तरह वो भी बर्बाद हो जाए। इस तरीके का सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़्यादा धीरे धीरे कानून के एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट लोग जाते हैं और मर्सी पेटिशन फाइल कर करके किसी तरह से बचे हुए हैं, ये बहुत ही दुखद है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है कि इतने सालों तक जो जिसका कि क्लियर है, जो कि एकदम अभी क्लियर अपराधी है, उसको सख्ती से उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
अंजू चौधरी जी, जया बच्चन ने मेरा बात कहना है, जया बच्चन जी ने बात कही पार्लियामेंट में कि उनको पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, हम इसका समर्थन नहीं करते किसी तरीके के का। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है यही रास्ता बचा है और कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं देखिए, ऐसा है मिडिल ईस्ट में बहुत जगह ऐसा केयर करते हैं कि पोल से बांध देते हैं ऐसे बलात्कारियों को और उसको पत्थर से जोड़ों को छोड़ देते हैं, पत्थर से मार मार के उसको जब तक उम्र ना जाए तब तक उसको पत्थर से मारते रहिए। तो इस तरीके का बात करने से वहाँ पर अपराध कम हुआ है, अपराध कम हुआ है। तो ऐसे अगर पब्लिक को आप हैंड ओवर कर देंगे, पब्लिक मार मार के उसको जिंदा जब मार देगा तो लोगों के मन में एक भय एक डर बैठ जाएगी और मैं सोचती हूँ कि वो भी एक अच्छा तरीका है उनको पनिश करने का। लेकिन फांसी सबसे अति उत्तम होगा कि तत्काल उनको फांसी दे दिया जाए, 15 दिन का 10 दिन के अंदर अगर हो सके तो करना चाहिए। जी बोलिए, सुन रहे हैं आप अंजू जी की बात को? तत्काल फांसी होनी चाहिए। देखिए अंजीत जी, जी एक दुखद घटना हैदराबाद की है और उत्तर प्रदेश में इधर हमारी सरकार आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, 204 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। अभी लखनऊ में भी ही एक घटना हुई थी जिसमें 7 दिन के अंदर दोषियों को दंड निर्धारित किया गया है। इसी तरह कासगंज, बागपत, ऐसी विभिन्न जगहों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी से दंड मिले इसकी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। देखिए देश कानून और संविधान से चलेगा और कानून और संविधान के अनुसार। लेकिन आपको पता होगा मनीष जी, क्योंकि आपने आंकड़ों का जिक्र कर दिया तो मैं आपको याद दिला देता हूं, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब है उत्तर प्रदेश में, पहली चीज। और दूसरा, पॉक्सो एक्ट के तहत जून 2019 तक के पेंडिंग मामले हैं सर, वो मैं बताता हूँ, 42,379 मामले पेंडिंग है जून 2019 तक। तो आप फिर कैसे ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हमने सुना दिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत हो गया? नहीं हो रहे हैं सर मामले। देखिए, नहीं नहीं अंजीत जी, देखिए मैंने दो चीजें कही जी। एक तो मैंने ये कहा कि करीब 15-16 ऐसे मामले हुए हैं पिछले दिनों में जहां 7 दिन, 8 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 16 दिन में कार्रवाइयां हुई है, दंड निर्धारित किए गए हैं। ये फैक्ट है, कोई मैं अपनी तरफ से इस बात को नहीं कह रहा हूं। आप सही। दूसरी बात, इस पे कहा मैंने आपत्ति की कि अदालतों की संख्या बढ़नी चाहिए, अदालतों की संख्या भी बढ़नी चाहिए और निश्चित रूप से राजनाथ जी ने जो संसद में कहा, भारतीय जनता पार्टी का व्यू वो है कि अधिकतम कड़े कानून अगर बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो बनाना चाहिए। निश्चित रूप से एक भय का वातावरण उनके अंदर जाना चाहिए जो इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं। साथ साथ समाज को भी इसमें आगे आना पड़ेगा और इस तरह के सोच के लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अंजू जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए अंजू जी, बोलिए। नहीं मैं बिल्कुल सोचती हूँ फास्ट ट्रैक और कोई इस तरह के कोर्ट का वो बीच में इंटरफेरेंस होने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट अवे सीधे वे पब्लिक को हैंडल करें और सीधे फांसी की सजा दें। जब दोषी पकड़ा जा रहा है तुरंत तत्काल, तो उसके बाद उसको फांसी की सजा देने में क्यों विचार, फास्ट ट्रैक और ये वो करने की क्या जरूरत है हमें? रितंबरा जी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अंजू जी बार बार ये कह रही हैं कि एक हफ्ते में दे दीजिए, 15 दिन दे दीजिए, लेकिन वो एक प्रक्रिया है, वो राष्ट्रपति के यहाँ है दया याचिका, वो जब तक खारिज नहीं होगी तब तक नहीं फांसी दी जा सकती, ये संविधान में है। लेकिन क्या ऐसे मामलों में भी बदलाव करने की जरूरत है? संविधान बदलना पड़ेगा, संविधान को बदलना पड़ेगा, फिर से बदलना पड़ेगा। जी से समय समय के समय की बात है। सवाल रितंबरा जी से, रितंबरा जी बोलिए। जी जी मैं देखिए कहना चाहूंगी कि अभी निर्भया कांड के बाद जो अमेंडमेंट आया 376 के इस एक्ट में, तो बहुत पर्याप्त है। फांसी की सजा ऑलरेडी इसमें है, फांसी की सजा भी है, जीवन कारावास भी है और परिस्थितियों के आधार पे। तो मैं अभी जो हैदराबाद की घटना प्रियंका की घटी, ये तो रूह को कपा देने वाली घटना। ऐसे में मैं इस तरीके की घटना में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि अभी जो अभियुक्त ये पकड़े गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ कबूल कर लिया कि हमने ये ऐसी इस क्राइम को अंजाम दिया, तो यहाँ पे देखिए कि सर्वप्रथम ड्यूटी बनती है जांच अधिकारी की कि वो बयान के आधार पर और उसको चार्जशीटेड कर दे जल्दी। होती क्या है कि कानून पे आप दोष बार बार लगाते हैं, कानून इससे बड़ा सख्त क्या होगा जिसमें गैंग रेप के कानून में ऑलरेडी फांसी की सजा मौजूद है।
होती, जब जो जांच प्रणाली है वहां डिले है, तो जांच प्रणाली को ऐसे जो जघन्य अपराध हो रहे हैं निर्भया जैसे दो चार घटनाएं इधर हमारे देश में घटी, तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रोसीडिंग ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग है। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग 15 दिन के अंदर हो जाती है तो वो जो अभियुक्त है, और एक कारण आप पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि मैंने ये सारे केसों को ऑब्जर्व किया, तो उसमें सबसे बड़ा जो सामने आई चीज बात है वो लड़के पिए हुए थे, उसमें भी जो क्राइम किया था वो भी पी रखी थी। तो सबसे पहले तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो नशा है, ये जो पी के लड़के रात में जो टहलते हैं, तो इस पे कुछ काम करे, यानी कि शराब जैसी चीजें, जो धूम्रपान जैसी चीजें, इसको बंद करे, एक नंबर। दूसरा, वो बच्चे क्राइम ऑफेंस करके गलत साइडों पे जाके जब ये उस चीज को देखते हैं तभी वो इसको अंजाम देते हैं। ये सारे केसेस में देखे गए हैं कि 90% यही जो है 376 के केसेस में यही चीजें सामने आती हैं। तो सरकार को भी उस पे काम करना चाहिए, क्यों नहीं बंद कर देती है लड़के चौराहों पे जो है पी पी के टहलते हैं, महिला कोई निकल नहीं सकती, हर आदमी हर परिवार के घर के संस्कार एक जैसे थोड़ी होते हैं, लेकिन जो पी के घूम रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की जरूरत है। उनको कौन करेगा? प्रशासन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रशासन अपने आप में मतवाला है, वो उस पे कितने भी उसको ट्रेनिंग दीजिए वो अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला। एक जांच पहुंचाने में कोर्ट के इन्वेस्टिगेशन को पहुंचाने में वो अगर उसमें हाईकोर्ट का डायरेक्शन है तो भी 6 महीने लगा देती है। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन और जो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य है हमारे पास, और सबसे बड़ी बात की एविडेंस में ये आ गई बात कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम चारों ने किया है, तो जब ये सारे चीजें उपलब्ध हैं तो जांच को सबमिट कर दे जल्दी से जल्दी। FTC कोर्ट बनी है, उसमें भी डिले है। यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो हमारे जजेस हैं, जो हमारी न्यायपालिका है, उन्हें भी इन घटनाओं को जैसे बहुत ही खूबसूरती से सब संज्ञान में लेके करते हैं, हमारा जो कौम है उस पर विश्वास रखता है अभी भी न्यायपालिका पे, तो मैं चाहूंगी कि वो भी जजेस भी एक इच्छा शक्ति से अपने ऐसे केसेस में तो कम से कम ट्रायल की पोजिशन को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए जो है आगे बढ़ा दे फाइल, और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन हो कि वो बहुत जल्दी कार्रवाई करके कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल करे। उन्हें फांसी भी होगी, उन्हें सजा भी होगी, लेकिन जो डिले की पोजीशन आती है वो उसी की वजह से जो अभियुक्त है उसको फांसी नहीं मिल पाती है। और जो दूसरा कारण मैंने बताया कि जो शराब, अगर शराब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, चूंकि आपने प्रशासन का जिक्र किया है, आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक वाकया हुआ, वो दर्शकों के सामने तस्वीरों के साथ में रखना चाहता हूँ। रितंबरा जी, आपने चूंकि जिक्र किया कि पुलिस वाले प्रशासन मतवाले होते हैं, लेकिन कुछ संवेदनशील हैं पुलिस वाले और कुछ अधिकारी भी। आज हरदोई की तस्वीर में दिखाता हूं, हरदोई में SP आलोक प्रियदर्शी जा रहे थे, गश्त पर थे, और इस दौरान उन्हें एक लड़की मिली, उन्होंने पूछा रात में 11 बजे कि कहां जा रही हो, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उस लड़की ने बताया कि वो नौकरी करके घर जा रही है, उसके बाद उस लड़की को अपने साथ लेकर के नौकरी करने वाले स्थल पर लेकर के पहुंचे SP आलोक प्रियदर्शी, और उसको फटकारा, जिस होटल में वो काम करती थी उसको फटकारा और कहा कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि रात 9 बजे के बाद आप अगर किसी को घर जाने दे रहे हैं, महिला कर्मचारी को, तो कम से कम आपको घर छोड़ना होगा, एक व्यक्ति, एक गार्ड उसके साथ होना चाहिए, और उसके बाद वहां से उन्होंने उसको घर छोड़वाया। तो कुछ तो प्रशासन के लोग संवेदनशील हैं, कुछ मामलों में नहीं है, और सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो, जरा एक बार सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्दियों की रात में 11 बजे से अकेले चले जा रही है, सर बताइए, जैसे आपका काम करती है और काम करती है दो बार गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लड़की रात में जाते हुए मिली, उससे पूछताछ करने पर पता चला कि किसी होटल की कर्मचारी और वहाँ से काम करके लौट रही है और अकेले थी वो, तो इस बात को जानने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय होटल में गए और वहाँ पर उन लोगों को समझाया कि इस तरह के अगर कर्मचारी रात में अकेले, महिला कर्मचारी है और रात में उसको कहीं जाना है तो अकेले न जाने दिया जाए, उसके साथ या तो उसको घर छुड़वाया जाए अपने किसी वाहन से सिक्योरिटी के साथ, ऐसे लड़कियों का और महिलाओं का मूवमेंट सिक्योर हो, इस आशय का निर्देश उन्होंने दिया।
नवाब अली अकबर साहब, जब बातें हो रही हैं तो इस बात का जिक्र ज्यादा हुआ कि प्रोसीडिंग में तेजी होनी चाहिए, और मैं एक देख रहा था आंकड़ा, लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, लिखित में जवाब दिया कि 31 मार्च 2019 तक 6 लाख मामले कोर्ट में लंबित हैं और उत्तर प्रदेश की 206 अदालतों में करीब 4.25 लाख मामले लंबित हैं। अब सवाल इस बात का है कि वाकई फास्ट ट्रैक कोर्ट को और फास्ट होने की जरूरत है? जी, कुछ तो जजेस की पूर्ति नहीं है, कोर्ट बहुत से कोर्ट खाली पड़े हुए हैं, तो बहुत लोड होता है जजेस के ऊपर भी, तो सबसे पहले तो जजेस की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरे, अभी हमारी अभी यहाँ बात कर रही थी अंजू जी भी और लोग भी, एक तो जैसे मर्सी पटिशन जब प्रेसिडेंट के सामने फाइल हो तो हमारी राय है कि वो भी एक टाइम बाउंड हो कि प्रेसिडेंट को विद इन ए मंथ या विद इन 2 मंथ या विद इन 15 डेज वो मर्सी पटिशन डिसाइड कर देनी चाहिए कि अगर फांसी की सज़ा किसी को मिली है तो उसको आगे देना है या छोड़ना है, ये 15 दिन या 1 महीने में डिसाइड होना चाहिए। अभी हमारी बहन कह रही थी इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड, बहुत सही है, किसी किसी इस तरह के ब्रूटल मर्डर रेप वाले मामलों में, खासकर इस तरह के जो गंभीर अपराध हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन टीम हो जो गठित हो और बहुत तेज़ी से इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। और जो बिल्कुल अभी जैसे जया बच्चन जी ने कहा, अंजू जी भी कह रही थी, ये शरई एक फैसला होता है इस तरह के लिए कि पब्लिक के हवाले और पत्थरों से संसार कर दिया जाता है इस तरह के जो जुर्म करने वाले लोगों को, इस तरह के कि उन्हें मार, ये है कि पत्थरों से इतना मारो कि वो मर जाए, तो ये एक शरई इस पे वो है, या चोरी पे हाथ काट लेना इस तरह के, जब आप सख्त मैसेज दीजिएगा तो ज़रा सा लोगों में डर पैदा होगा। ये ज़हनी तौर से बीमार लोग हैं जो इस तरह के हरकतें करते हैं, इस तरह के कांड करते हैं, ब्रूटल मर्डर है, रेप है, इस तरह के बहुत शर्मनाक है हम लोगों के लिए, सभी के लिए, पूरे देश के लिए शर्मनाक है ऐसी बातें। इसमें बहुत सख्त कार्रवाइयाँ होना चाहिए और तेज़ी से प्रोसीडिंग, इस पे तो डे टू डे हेयरिंग होना चाहिए इस तरह के मामलों में, और एक टाइम बाउंड हो कि 1 महीने में ये वाली या 10 दिन में या 2 महीने में ये ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरह से होगा क्योंकि ये एक मैसेज देना होता है जितनी तेज। अब लोग सोचते हैं कि अभी हम जाएंगे दसियों साल मुकदमे चलेंगे, तो इसलिए काफ़ी लुकना रहता है इन सब मामलों में, तो लोगों को दिनों में राष्ट्रपति के यहाँ याचिका जाती, जल्दी जल्दी उसका भी निपटारा हो, इस पर विचार तो होना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से सभी केसों में नहीं तो कैटेगरी बनानी चाहिए कि इस कैटेगरी कुछ बनानी चाहिए कि किस तरह के केसों में की जल्दी होनी चाहिए, और कम से कम रेप और ब्रूटल मर्डर इस तरह के केसों की कैटेगरी बनानी चाहिए, और नीचे से लेके सेशन कोर्ट से लेके ऊपर मर्सी पिटीशन तक एक टाइम बाउंड कार्रवाई होनी चाहिए। और यद्यपि उत्तर प्रदेश में इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्टों से रेप के जैसे मामलों में 15-16 केस इस तरह से सॉल्व किए गए हैं, हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मामले, बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं। अंजू चौधरी जी, एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा भाई। बहुत सारे मामलों में लोग जागरूक ही नहीं है, अब वो बच्ची नहीं जागरूक है कि 9 बजे के बाद वहाँ के लोग उसे छोड़वाएंगे जहाँ वो काम करती है, उसको SP ने बताया, तो इतने लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी आप लोग भी तो उठाइए। नहीं, हम लोग जागृत कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उन लोग को समझा रहे हैं कि किस तरीके से ऑफिस में जो काम करती हैं या कहीं भी नौकरी कर रही हैं उनको अपने टाइम से अपने किसकी नज़र ख़राब है, कौन ठीक है, और किस तरीके से लोग वहाँ पर हैं उस वैसे जगह ही काम करना चाहिए, उनको अपने को खुद को बचाव करना पड़ेगा। और ये निवेदन है अंजू जी आपसे, ये समझाना सिर्फ TV पर ना हो, हकीकत में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब क्या आपने दिया है बताते हैं आपको। हमने पूछा था क्या बेटियों को इंसाफ के लिए और सख्त कानून की जरूरत है, 95% लोग कहते हैं हाँ और सख्त कानून चाहिए, जबकि 5% लोग इससे सहमत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।